अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ई टेक चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, ये हमारे पास दो मोटर आते हैं मिसाइल के, इसके ऊपर 50 मीटर लिखा होता है, जो कि 120 फुट से लेकर 150 फुट तक पानी उठाता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास दो मोटर है, इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है और दो नंबर कौन सा है। मतलब इसमें दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे के हैं, लेकिन ये कि इसके अंदर जो डब्बे के अंदर मोटर है उसमें फ़र्क है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इसका फ़र्क बताने वाला हूं। दोस्तों, पहले तो आप इसका डब्बा चेक कर लें और इसका डब्बा भी चेक कर लें। इसका जो डब्बा है ये थोड़ा सा बड़ा भी है, ये आप देख लें ना, ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, और ये वाला छोटा है साइज़ के हिसाब से। इसके ऊपर बाकी कुछ नहीं लिखा, बस ये हाई एनर्जी वगैरह लिखा है, सोलर पम्प लिखा है, इसके ऊपर भी ये चीज़ें लिखे और साथ ये कुछ मालूमात भी इसके ऊपर लिखे। इस डब्बे के ऊपर एक ये भी स्टैंप लगा हुआ, ये 15 मीटर केबल वगैरह, मतलब सब कुछ इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर नहीं लिखा, ये बिल्कुल सादा है। लेकिन इसमें हम मालूम करेंगे कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये अब आप मोटर को देख सकते हैं, ये वो बड़े वाला डब्बा है, ये छोटे वाला डब्बा है। तो इससे हम मोटर निकालते हैं कि इसमें कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा दो नंबर है। तो दोस्तों, ये दो मोटर मैंने डब्बों से निकाले हैं, जो जिसके ऊपर डब्बे के ऊपर ज़्यादा लिखाई वगैरह थी उसका मोटर ये वाला है, और जो सादा डब्बा था उसका मोटर ये वाला है। दोनों 24 वोल्ट के हैं, आप देख लें, ये देखो ना, ये भी 24 वोल्ट का है, मैं फोकस करूँ, ये भी 24 वोल्ट है और ये भी 24 वोल्ट है। सिर्फ फ़र्क ये कि ये किंगवे कंपनी का, ये अयास कंपनी का है। तो दोस्तों, इसमें जो फ़र्क है, अगर हम बात करें तो ये आप ख़ुद देख लें, इसका जो तार है ये भी सेम कापर की तरह नज़र आ रहा है, ये भी कापर की तरह नज़र आ रहा है, सिर्फ ये इसका गेज थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा है। लेकिन फ़र्क ये कि इसका जो तार है ये ऊपर से सिर्फ रंग किया हुआ है, अंदर से सिल्वर है। ये हमें तब पता चला, ये मैंने एक गाहक को दिया था, तो उसने मुझे बोला कि यार, ये आपने जो मोटर दिया था ये तो सिल्वर। मैंने बोला नहीं, मैंने कापर का दिया। जब उसने वापस लाया मोटर, तो ये तो सच में सिल्वर का निकला। अच्छा दोस्तों, एक और बात भी है ना, ये देखो, ये 10.5 एम्पियर करंट ले रहा है 24 वोल्ट में, और ये ले रहा है 8 एम्पियर में। तो दोस्तों, जाहिर बात है कि ये अगर 8 एम्पियर ले रही और ये 10.5 एम्पियर ले रहा है, मतलब 25-30 वाट आपसे ये कम वाट मतलब खर्च करेगा। तो जाहिर बात है, ये अगर प्लेट बना थोड़ा सा कमज़ोर भी है ना, फिर भी ये पानी से ही प्रेशर से उठाएगा। तो ये जो दुकानदार होते हैं ना, बड़े डीलर, ये फ्राड भी बहुत करते हैं। ये अगर 5000 रुपये का होलसेल मार्केट में रेट है ना, जो बड़े डीलर होते हैं वो आपके साथ फ्रॉड करके ना सिल्वर का भी 5000 का देगा, हालांकि सिल्वर का सस्ता होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूं कि अगर आप जहां से भी मोटर लेते हो, दुकानदार के ऊपर कभी एतमाद ना करना। आप ख़ुद देख लो कि यार, इसका जो तार है ये सिल्वर का है या कापर का है। पहले इसका पता इधर से चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या दो नंबर है। बाकी सोलर या इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी चीज़ की मालूमात अगर आपने करनी, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।